खबर पाली जिले से है, जहां रानी उपखंड क्षेत्र के नीपल की हीराढाणी में दो साल बीते जाने के बाद भी पानी की किल्लत कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिसके कारण मोहल्ले वासियों में भारी आक्रोश है। लंबे समय से उपजी इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि महिलाओं को पीने के पानी की तलाश में दूरदस्त क्षेत्रों में जाकर हैंडपंप से पानी लाना पड़ रहा है, लेकिन जलदाय विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इसके आगे ग्रामीणों ने बताया कि पानी की समस्या को लेकर लंबे समय से AEN JEN को अवगत कराया गया, लेकिन इसके बावजूद भी संबंधित विभाग ने कोई सुध नहीं लिया, जिससे पानी की किल्लत बढ़ रही है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए लोगों ने बताया कि जवाई जल योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है और कनेक्शन तो हो गए, लेकिन नल में पानी आज तक नहीं आया, जिसके चलते ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। पाली से संवाददाता जुगल किशोर बावन रिपोर्ट। पूरी मनमानी है, पानी बिल्कुल दो साल से पानी नहीं आ रहा है। अंबिका नगर पावटी निपल में पानी की जलदाय विभाग को कई बार सूचित किया, मगर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं। 181 पर 5-6 बार कंप्लेन की, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पानी की ज्वलन समझा, यहाँ की महिलाएं बहुत परेशान है और बच्चे को बेचारे स्कूल जाते हैं, गरीब है, 30-35-50 घर है यहाँ पे, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस विभाग की किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि यहाँ पानी की ज्वलन समस्या है। पानी के लिए लोग तरस रहे हैं और पानी के लिए हेडपंप पे लाइनें लगी हुई है, बेचारे परेशान रहते हैं, धंधे पे जाना पड़ता है, फिर भी पानी नहीं आता है। लोग मजदूरी पे जाते हैं सुबह जल्दी, पानी बिल्कुल, पानी की ज्वलन समस्या, पानी आता ही नहीं। बेचारे बच्चे स्कूल जाए तो कहाँ पानी, पीने के पानी की समस्या, पानी की ज्वलन समस्या, ऐसा पानी है फिर भी पानी नहीं आ रहा है।